गढ़वा राजनीति के कन्हैया, हम बात कन्हैया चौबे के कर रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खास करके राजनीति में। जिम में हुआ करते थे एक वक्त था, आज वो बाबूलाल मरांडी के मंच पर संकल्प यात्रा के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सब पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी जी गढ़वा पहुंचे थे, उसी संकल्प यात्रा के मंच पर कन्हैया चौबे जी भाजपा का दामन थाम लिए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं कन्हैया चौबे जी। आप एक वक्त था जब तीर कमान हाथ में लिए थे, तीर कमान क्यों नहीं रास आया आज की, आज कमल का फूल थामना पड़ा? भगवान राम भी तीर कमान हाथ में लिए थे और वो जानते थे कि जो हिरन दौड़ रहा है सोने का नहीं है, फिर भी भार्या माँ जानकी की इच्छा को पालन करने के लिए वह नकली हिरन के पीछे असली भगवान दौड़ रहा था। तो जानता रूपी सीता का यह नकली कन्हैया तीर धनुष लेके दौड़ रहा था, तो मैं सोचा कि शायद असली हिरण है, जिसे माँ जानकी ने देखा कि असली हिरण है, राम जान रहे थे कि असली नहीं है नकली है, तो मैं असली हिरण के चक्कर में तीर धनुष लेके जाके जनता का कल्याण करने के लिए, लेकिन वो इतना नकली निकला तो वो तो मतलब सोना का भी था, ये तो मिट्टी का भी नहीं निकला। मैं जिस हेमंत को और गढ़वा के वर्तमान मंत्री का साथ दे के इनके कुकर्मों में भाग लिया, यह मेरा जीवन का 4 साल का प्रायश्चित, हमको 4 जन्मों भी नहीं चुकाना में संभव होगा। राजनीति सेवा का साधन है, कल भी सेवा था, आज भी सेवा है और कल भी सेवा रहेगा, लेकिन 4 लफंगे पकिटमार चोर टाइप के लोग राजनीति में घुस जाते हैं, उसको हाईजेक कर लेते हैं, तो वह राजनीति सेवा से धंधा बन जाता है। मंत्री से हमने निवेदन किया कि आपके पार्टी में आपके साथ मैं झोला ढोया हूँ, हमको राजनीति का 1 लाभ दे दीजिए। भवनाथपुर तुलसीधाम अरमाइंस 16 फरवरी 2020 को बंद कर दिया गया है आपकी सरकार में, आपकी सरकार बनाने में मैंने महती भूमिका निभाया है, मजदूर का भला हो जाएगा, कन्हैया का सपना पूरा हो जाएगा। हमको मंत्री और विधायक का कभी शौक नहीं रहा, हम ये जानते हैं कि मैं जहां रहूंगा जिंदा रहूंगा। लोहिया कहते थे कि जिंदा कम 5 साल इंतजार नहीं करती, मैं कन्हैया अकेला कहता हूँ जिंदा हमारा 1 सेकेंड इंतजार नहीं करता है। मैंने सत्ता एक बार भाजपा के बना के छोड़ दिया था, यही गढ़वा की धरती है, रघुवर जी को मैं नहीं लाया था, दोबारा मैं सत्ता हेमंत का बना के छोड़ दिया, क्योंकि सत्ता हमारे लिए दलाली करने का साधन नहीं है, सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का साधन है। वह मंत्री गरीब मजदूर के पैसा से बकरा जोबा करा के खा जाता है भवनाथपुर जाके, कहता है झटका नहीं खाएंगे हम जोबा खाएंगे, और जनता गरीब देख रही थी मजदूर को बर्दाश्त, में मजदूर बोला कि मेरा माइंस नहीं चालू कराया, हम लोग हेमंत जी के दरबार में गए, हेमंत जी साल भर का लाइसेंस दिए, हम लोगों ने कहा कि भैया 5 साल का दे दीजिए, 4 साल आपके लिए कुछ नहीं है, आप ही के हाथ में देना है, बोले नहीं साल भर, तो बोले साल भर में तो 10 महीना बीत चुका है, 2 महीना में हम कौन सा क्लियरेंस करवा लेंगे माइंस के अधिकारियों से, आप ऐसा काहे घुमा रहे हैं। तो चूंकि हेमंत के साथ जो यहाँ भैया जी लगे थे, उनको ये दिमाग में था कि अगर माइन चालू करवा लेगा कन्हैया चौबे तो पुनः जिंदा हो जाएगा। तो 2021-22 साल हमको लटकाए रहे, आंदोलन पर आंदोलन करते रहे हम, और मालूम होना चाहिए कि मैं 22 करोड़ रुपया बंटवाया हूँ RLC पटना को बैठा के खाते में मजदूरों का, बाकी PF का लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो भैया जी वहां देखा कि अंतिम बात से चलाते हैं, बोला आ जाओ पार्टी में, झोला ढो मजदूर का काम करा देंगे, तुमको कुछ बना देंगे। हम कहे देखो भाई, कन्हैया कमरुद्दीन बन जाएगा लेकिन कमीना पना वाला काम नहीं करेगा, मजदूर का काम कर दो झोला ऐसे ही ढो देंगे, और मजदूर का काम नहीं करोगे तो जो 2 गो रंगा CR घूम रहे हैं जयचंद और गोरी, इस जयचंद की गोरी बना के तुम किला फतह करना चाहते हो गढ़वा जिला का, तो गढ़वा जिला को तुम ठग सकते हो, भवनाथपुर को नहीं ठगने देंगे हम। जब तक कन्हैया जिंदा है, आप सोचिए कि भवनाथपुर के विधायक का 14 में मैंने समर्थन दिया था, 2600 वोट से जीता था, और मेरा सिलेक्शन कैसा रहा कि अंत में मोदी जी और अमित शाह को भी वही काम करना पड़ा, उन्हें इस पर टिकट उसी को देना पड़ा, यानी उनसे बेहतर हमारा काम था ना,
उस समय के प्रत्याशी भराया था ना। आपके कहीं न कहीं विरोधी जब आप जिम्मे में हुआ करते थे, तो होता है राजनीति में जब आदमी विपक्ष में होता है तो जो पक्ष में होता है उसका विरोध करता ही है। भानु जी आपके कहीं न कहीं विरोधी रहे हैं, जो वर्तमान में भाजपा से भनातपुर के विधायक हैं। आज आप भाजपा में हो गए तो अब तो कुछ नहीं कहिएगा? नहीं, बात आ रहा है दुनिया। हमारा घर का बच्चा है, वो अगर नकल करते पकड़ा जाता है स्कूल में, तो मैं अच्छा गार्जियन हूँ तो उसका मदद नहीं करता हूँ। मैं डांटता हूँ, फटकाता हूँ, उसकी शिक्षा की व्यवस्था प्राइवेट ट्यूशन लगा करवाता हूँ। मैं सनातनी धर्म का, शंकर का, शिव का उपासक हूँ, माँ काली का उपासक हूँ। भाई बंधु समाज में कोई अगर गड़बड़ करेंगे सेवा के धर्म से, तो मैं भारत से बंधा हुआ हूँ। मैंने हेमंत के मंच पर कहा था, कन्हैया को ले आना बहुत आसान है, कन्हैया को रखना बहुत आसान नहीं है। मैं वो परमात्मा रूपी कन्हैया का पूजा करता हूँ, इबादत करता हूँ। तो एक ही नियत है मेरा कि राष्ट्र धर्म अगर मोदी जी के प्रिय है, तो वही प्रिय मोदी जी के धर्म को देके मैंने भाजपा का पहली राजनीति शुरू किया था। मेरा अपना कुछ नहीं है, आज भी मैं फक्कड़ हूँ। मैंने न विधायक जी के उस समय व्यक्तिगत जीवन पर या न क्रियाकलाप पर टिकला टिप्पणी किया, न आज कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी में रहते हुए, पार्टी के साथ चलते हुए, गंगा से कहीं कहीं अधिक बाढ़ आ जाती है क्षेत्र। दिल्ली में बाढ़ आया था जमुना जी का, तो बाढ़ का पानी उतरने के बाद सफाई कौन किया गंदगी का? कर्मचारी नगर निगम का। तो कन्हैया चौबे भाजपा का वो आजीवन अब कर्मचारी बन गया है कि भाजपा में जो गंदगी पड़ा हुआ है धीरे धीरे उसका भी साफ करेंगे। कार्यकर्ता का मान सम्मान, सत्ता की दलाली का शौक नहीं, कभी जाऊंगा नहीं। चुनावी राजनीति से अपने को कोसों दूर कर लूंगा। तरस जाएंगे लोग, मजबूर हो जाएंगे कहने के, लेकिन कभी नहीं सेवा का राजनीति। कन्हैया का नफरत का सगल नहीं रहा है, चाहे वो द्वापर का कन्हैया हो चाहे आज का कन्हैया हो, लेकिन इस कलयुग की इस कन्हैया को नफरत जेएमएम से हुआ, कभी मोहब्बत हुआ करता था, आज भाजपा से मोहब्बत हुआ, यह मोहब्बत बरकरार रहेगा ना? आप सुनिए, न कन्हैया को कल भाजपा से नफरत हुआ था, न कल जेएमएम से नफरत हुआ था। एक किसान मजदूर का बेटा हूँ, अगर हम दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को हम भूखे पेट सोते हैं, तो हमारा पेट की कीड़ा जो अंदर है कुलबुलाती है, उसे आक्रोश में चेहरा पर आता है, तो उसको लोग नफरत करते हैं, जो नफरत नहीं है। मैंने तन मन धन से उस दिन भी सेवा किया था, और आपको मालूम है हमसे ज्यादा कि मेरा हक लुटाया था, आपको ज्यादा मालूम है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी उससे अधिक, उनके यहाँ तो 12 महीना 18 महीना, इनके यहाँ तो मैं 46 महीना, इनके यहाँ 56 महीना तन मन सेवा किया। आप बताओ, आपने हमेशा मंत्री जी को, मैं देखा था कि सरकार नहीं बनी थी, रघुवर जी की सरकार थी, तो मंत्री जी को आप कवर करते थे। रामा साहू की फील्ड याद कीजिए, बिजली का मुद्दा पर कन्हैया जब नगर से बनातपुर से 1500 आदमी लेके आता था, तो मंत्री जी के 4 गो चमचे जो है वो आते थे बल्ला लगा के क्वार्टर से निकल के, तो आंदोलन होता था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो नफरत नहीं है, सवाल यह है कि आप दिन भर आप माइक लेके जनता के लिए घूम रहे हो, और रात में आपको एक रोटी न मिले तो आप जिंदे नहीं रहो, तो कल से माइक पकड़ो कहां से? मेरा कहना है मुझको टिकट नहीं चाहिए, हमारा जनता का समस्या हम बताते हैं, कर दो। क्या मैं भाई हेमंत सरकार से पूछता हूँ कि फ्लोराइड के पानी में जल गया था ना, वो भनातू विधानसभा केस था, गढ़वा का था। तो नेता, डॉक्टर, वैद्य, लेखक, पत्रकार किसी के नहीं होते हैं, न जाति के, न धर्म के, न व्यक्ति के, वो होते हैं परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। गढ़वा में बीमारी थी, फ्लोराइड से बच्चे मरे थे, तो मैं इंतजार करूं कि भारत में विराजित करेंगे? समस्या यहाँ का था, लड़ाई यहाँ में लड़ा, जेल में गया, केस में लड़ रहा हूँ, उन बेशर्मों को मैं देखने गया, बोलने गया, क्या ये हमारा केस लड़िए? अगर हमको सत्ता का सुख भोगना होता तो 2-2 सरकार हमने बनाया, गढ़वा में रहते हुए 2-2 सरकार बनाया 8 साल की राजनीति में, लेकिन कभी सत्ता के पास में नहीं जाता हूँ। सत्ता को अपनी मजबूरियां होगी, हमारी अपनी मजबूरी है सेवा की। हमने देखा क्या, 91,000 रुपया में जब 50,000 रुपया घूस वीडियो सगमा के सत्यम कुमार लिया, मैं DDC गढ़वा को फोन किया, उसको सेवा धर्म सिखाया, मैं जमुआर जो है DC उनको फोन किया, इसी सितंबर की बात है, ये सितंबर 12-13 की, इन लोगों ने पाठ पढ़ाने लगा हमको। हम बोले कि सुनिए, हमारे बारे में पता कर लीजिए, पिछली सरकार का भी आंदोलनकारी मैं ही था,
तभी प्रधानमंत्री आवास में 15,000 रुपया घूस लिया जाता था, तब मैं तो ईट से ईट बजा देता था। आज जो है 91,000 में से 50,000 आप लोग ले रहे हैं, बचा 41,000 में। नंगा कहाँ नहाएगा, कहाँ निचोड़ेगा, क्या करेगा, और गरीब को कुछ सुनने वाला नहीं है। मैं अपने विधायक से ये अपेक्षा तो कर सकता हूँ ना कि भवनाथपुर में लड़ाई लड़े गरीब को, कर सकता हूँ ना। तो लेकिन क्या लॉकडाउन में कोई नेता कन्हैया सिवा चुबे के सिवा कोई आंदोलन किया भवनाथपुर में? 20 में लॉकडाउन था, मैं 13 दिन भूख हड़ताल किया, आप लोग न्यूज कवर किए है ना। मैं 21 में फीक किया, मैं राजेश पाठक को वहां बुलाया, मैं RLC पटना से गुप्ता को बुलाया, सारा कार्यक्रम मेरा था ना। मैं अपने घर से अनाज, मैं टाटा बिरला हूँ, बच्चों की तनख्वाह लगा लगा के 1,000 मजदूरों को 15 दिन बिठा खिला रहा था। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, चाहे भवनाथपुर हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे भारत हो, सेवा। जहां कमजोर वहां कन्हैया, जहां लाचार बेबस मजबूर वहां कन्हैया साथ में, और चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। कल भी द्वापर में लाचार असहाय गरीबों के साथ वो भी कन्हैया था, आज ये भी कन्हैया गरीब और उसे ही लाचार और असहाय लोगों के साथ है। कन्हैया चौबे जी के साफ कहना है भाजपा में आज शामिल होने के बाद कि कल भी मैं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ था, कल भी मेरी भावना सेवा की थी, सत्ता का सुख भोगने की महत्ता कभी नहीं रही हमारी, कभी इच्छा नहीं रही, कभी चाहत नहीं रही, आज भी मेरी चाहत इससे बिल्कुल इतर है। हाँ, जो गरीब, जो असहाय, जो लाचार हमको दिखेंगे, जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे उनकी बात को लेकर, उनका काम होना चाहिए। कल उनकी पुकार नहीं सुनी गई, कल उनकी मांग नहीं सुनी गई, तभी जाकर आज हम JMM से विमुख हुए और हम भाजपा का दामन थामे हैं। एक बात इन्होंने पूरे बातचीत के क्रम में साफ तौर पर कहा कि सत्ता का सुख भोगने की लालसा मेरी कभी नहीं रही है और ना ही कभी आगे रहेगी। धन्यवाद।